हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का छठा महीना, इस टाइम तक बच्चे का वजन कितना हो जाता है, कितनी उसकी लंबाई हो जाती है, क्या क्या चीज़ें बच्चा करने लग जाता है, आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस, इस टाइम पर कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के वजन की। तो बच्चे का वजन जो है ना छठे महीने में 500 से 900 ग्राम हो सकता है, यानी कि छठे महीने की शुरुआत में बच्चे का वजन जो है 500 ग्राम तक होगा और उसके खत्म होने तक 900 ग्राम तक बच्चे का वजन हो सकता है। और लंबाई की बात करें तो 7 से 12 इंच तक बच्चे की लंबाई इस महीने में हो जाती है। शुरुआत में 7 इंच के आसपास होती है छठे महीने की शुरुआत में, और फिर 12 इंच तक आसपास जो है छठे महीने के एंड तक बच्चे की लंबाई होती है। इसके अलावा बच्चे के आईलिड्स बन जाते हैं, आईब्रोज बन जाती है, बच्चा जो है इस टाइम तक आंखें झपकने लग जाता है। छठे महीने में कई बार जो है बच्चा ज़्यादा हिचकी लेते हैं, और ये बच्चों का हिचकी लेना जो है बिल्कुल नॉर्मल है। छठे महीने में बच्चे के लंग्स बन तो जाते हैं पर अभी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। इसके अल्वा आपका बच्चा जो है अच्छी शेप ले लेता है, मतलब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स आपको जो अच्छे से दिखाई देते हैं, बच्चे की उंगलियां बन जाती हैं, नेल्स बन जाते हैं। इस टाइम तक बच्चा जो है बाहर की आवाज़ें भी अच्छे से सुनने लग जाता है, तो इसीलिए इस टाइम पर ज़रूरी है कि आप अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और ज़्यादा शोर वाली जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज जो दिखाई देगा कि छठे महीने तक आपका बेबी बम्प यानी आपका पेट दिखने लग जाता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेबी की मूवमेंट्स भी आपको फील होने लग जाती है। कई बार मेरे पास सवाल आता है कि बच्चे की हलचल जो है कब महसूस होती है, तो देखिए 5वें महीने के आसपास तक बच्चे की मूवमेंट आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम छठे महीने की बात कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको काफ़ी बच्चे की मूवमेंट जो है फील होना स्टार्ट हो गई होंगी। इस महीने में आपका वेट जो है लगातार बढ़ रहा है, और इस टाइम पर आपके जो है कमर में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसका दबाव जो है आपकी कमर पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकते हैं ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं। ये एक्चुअल लेबर पेन नहीं है, एक तरह से नकली लेबर पेन आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको पेट में दर्द कभी कभी बीच में हो सकता है, आपका पेट थोड़ा सा कड़क हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये आप छठे महीने में थोड़ा बहुत फेस कर सकते हैं। छठे महीने में आपको हाथों, पैरों या फेस में थोड़ी स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, तो ये जो है नॉर्मल होती है, पर अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और स्वेलिंग जब आपको दिखती है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और ज़्यादा पैर लटका कर आपको नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके पैरों में आपको सूजन दिख रही है तो सोते वक्त पैरों के नीचे तकिया लगाकर आपको सोना चाहिए। नेक्स्ट, इस टाइम पर आपको थोड़ी ज़्यादा भूख भी लगने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है आपको भूख ज़्यादा लगने लगी। शुरुआत के 3 महीनों में आप इतना नहीं खा पाते हैं, पर ये टाइम होता है जब आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके हेल्दी खाना खाइए, और जंक फूड और बाहर के खाने को अवॉइड करें। आपको थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम लग सकती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो पेट पर जब दबाव पड़ता है तो इसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप जितना हो सके फाइबर वाली चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो डेली दलिया खाइए, इसके अलावा आप जो हैं फ्रूट्स अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से पीजिए। बच्चे का जब साइज़ बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, तो इससे आपके पेट की जो स्किन हो ना उसमें भी खिंचाव आता है, तो जिसकी वजह से आपके स्किन पर जो है स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। वह स्ट्रेच मार्क्स जो है पेट पर बन सकते हैं, थाइस पर बन सकते हैं, हाथों पर बन सकते हैं, आपके ब्रेस्ट पर बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रेगनेंसी के 2-3 महीने से ही आपको अपनी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो भी दिन में 2 बार। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप करना, वरना जो स्ट्रेच मार्क्स हैं आगे जाकर फिर कम होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में छठे महीने में कौन से टेस्ट जो हैं आपके होते हैं। तो एक टेस्ट होता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट वाला टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है। देखिए, हीमोग्लोबिन आपका 11 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एक अच्छी रेंज होती है। पर अगर आपका 11 से कम है या फिर आपका 6, 7, 8 है, तो हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो इसको आपको जो है सुधारना है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि एप्पल, अनार, टमाटर, चुकंदर। नंबर 2 टेस्ट होता है छठे महीने में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि कहीं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी टाइप में आपका शुगर बढ़ा हुआ तो नहीं है। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, देखिए इस टेस्ट को, एक तो आपका खाली पेट मतलब फास्टिंग में जो है आपका एक ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाएगा, फिर आपको कुछ ग्लूकोज पिलाया जाएगा, और उसमें उसको पिलाने के बाद 1 घंटे बाद फिर आपका जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाएगा, और फिर 2 घंटे बाद फिर से सैंपल लिया जाएगा। मतलब 3 सैंपल लिए जाते हैं, एक फास्टिंग में, एक ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे बाद, और फिर 2 घंटे बाद।
तो इसमें बेसिस पे जब रीडिंग आती है तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं आपको डायबिटीज या फिर शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है प्रेगनेंसी में। तो ये दो टेस्ट जो है प्रेगनेंसी के छठे महीने में होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको छठे महीने में भी लगातार धीरे धीरे करके वॉक करना चाहिए। दिन में कम से कम 45 से 60 मिनट तक वॉक कीजिए। आपको जो है एक ही पोजिशन में बहुत देर तक ना लेटे रहना ना बैठे रहना है, थोड़े थोड़े दिन में अपनी पोजिशन चेंज करते रहे, वरना आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही था प्रेगनेंसी का छठा महीना। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको प्रेगनेंसी छठे महीने को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।